सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और आप सभी का सीएचजी टुडे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, जो कि आप लोग बहुत दिनों से सीएचजी कैंटीन के अंदर जो फोर व्हीलर थे उनको खरीदने के लिए जो बार बार आप लोगों की डिमांड होती थी कि आखिर इसका बेस प्राइस बढ़ाया जाए, तो दोस्तों फाइनली वह यहाँ पर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कई बार जैसे ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था पिछली वाली को, उसमें आप लोगों के द्वारा डिमांड की गई थी, उस पर मैंने तथा बहुत से जो भूतपूर्व सैनिकों के संगठन हैं उन्होंने भी इस पर वीडियोज बनाया था और कई लोगों के द्वारा सीएचडी को ऑफिशियली अपने लेटर भेजे गए थे, परंतु तब वहाँ पर कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला था। परंतु फिर भी यहाँ पर इस समय आपको नई सूचना मैं लेकर के आया हूँ, जहाँ पर कि आप लोगों के मुताबिक काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ है। तो देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिशियल लेटर है ये मैं आपको इसी वीडियो के बाद में दिखा दूंगा। साथ ही आप लोग csdtoday.com पर विजिट करके भी इस लेटर को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो भी कार प्राइस लिस्ट नए अपडेटेड अनुसार होगी वह आपको जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि आप csdtoday.com पर ही प्राप्त कर पाएंगे, जहां पर आपको पे लेवल संबंधी कोई भी समस्या होगी उसका भी वहां पर मैंने सारा सोल्यूशन किया हुआ है, तो वहां पर आप लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख पाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पे लेवल 3A से 5 के अंतर्गत लोग आते हैं, जिनमें की सिपाही, नायक, हवलदार यानी कि ओआरएस कैटेगरी के लोग, तो दोस्तों उनमें चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उन सभी को शामिल किया हुआ है। यदि आप पे लेवल के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग रिटायर्ड हैं उनके पीपीओ पर ये पे लेवल लिखा होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो सर्विंग पर्सन है उनका जो पे स्लिप होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है। इसके अलावा आप लोग csdtoday.com से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इन लोगों का जो नया आपको बेस प्राइज आया है, अब बेस प्राइज वह प्राइज है दोस्तों जिसमें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स शामिल नहीं है। यदि दोस्तों उसकी बात करें तो 8 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो पहली कार है, यदि जो लोग सर्विस कर रहे हैं और सर्विस के दौरान कोई कार लेना चाहते हैं, तो जैसे उनकी सर्विस 5 साल हो जाती है वैसे वो लोग पहली कार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो पहली कार खरीद लेते हैं, अगर वो सेकेंड कार लेना चाहें, जो लोग ओआरएस कैटेगरी में है वह दोस्तों सेकेंड कार वो तभी ले सकते हैं जबकि वो रिटायरमेंट हो चुके हों। और एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कि आपने पहली कार ले ली सर्विस के दौरान, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लिया मैं 2021 में एक कार ले लेता हूं और इसी साल में रिटायर हो जाता हूं, तो दोस्तों अब जब भी मैंने ये कार ली है और रिटायरमेंट में जब भी मैं खरीदूंगा उस समय दोस्तों इन दोनों के बीच में आपको 8 साल का गैप जरूर होना चाहिए, तभी ये दूसरी कार आप लोग ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों ओआरएस की बात। अब इसमें दोस्तों कई एक लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर मेरे पति सर्विस के दौरान लिए थे और एक कार उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में ले ली थी, क्या मैं ले सकती हूँ? तो दोस्तों वो लोग नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर उनके पति ने यानी कोई भी विडो है और उनका पति यदि सर्विस के दौरान लिया था, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नहीं लिया था, तो जब भी उन्होंने लिया था और अभी वो नहीं है, तो दोस्तों वो उस कार को लेने के दौरान यानी कि जो सर्विस के दौरान उन्होंने ली थी उससे अब के बीच में उनका कम से कम 8 साल का गैप होना चाहिए। यही जो बात है वह जेसीओ के ऊपर भी लागू होती है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे, यहां पर जो पे लेवल 6 से लेकर 9 तक के जो भी लोग हैं उनको 10 लाख बेस प्राइस तक की सीमा रखी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलग से जो चार्जेस लगते हैं वह यानी कि जो जीएसटी लगती है वह दोस्तों इसमें शामिल नहीं है।
और दोस्तों इसके अंतर्गत चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, विडो जिनके लिए कि अप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, इसके अंतर्गत जो रैंक आएंगे वो आएंगे नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। इसके साथ ही ये लोग जैसे ही जब भर्ती होते हैं, भर्ती होने के 5 साल बाद, यानी ओआरएस रैंक, जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था आपको, तो जैसे ही वो ओआरएस रैंक में होते हैं उस दौरान एक कार वो लोग ले सकते हैं। इसके बाद ही जो सेकेंड कार होगी वो जैसे ही जेसीओ बनते हैं, कमीशन लेते हैं, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर वो लोग दूसरी कार ले सकते हैं। और तीसरी कार के लिए उनका जो है वो आप रिटायरमेंट के बाद में ले सकते हैं। विडो के लिए वही क्राइटेरिया है जैसा कि ओआरएस के लिए मैंने बताया हुआ है। इसके साथ ही यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और इनको जो खरीदने के बीच की ड्यूरेशन है, यानी कि गैप है, वो 8 साल का हुआ होना चाहिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम जो पे लेवल 10 से लेकर के 18 के बीच के लोग हैं, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सभी के लिए मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे जो ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कप्तान, इसके साथ ही लेफ्टिनेंट कैप्टन और जो ऑफिसर्स रैंक हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इन लोगों के लिए 20 लाख तक जो सीएसडी का बेस प्राइस है वह रखा गया है। और यह लोग, यानी कि इनके लिए कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आपने आज ही सर्विस ज्वाइन की है, आप ही आज ही चाहें तो आप आज ही कार खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी पहली आप कार खरीदेंगे, उसके बाद जब दूसरी कार खरीदेंगे, चाहे आप सर्विंग में हो या रिटायर्ड में हो या विडो हो, तो दोस्तों एक कार से दूसरी कार के बीच में आपको कम से कम 8 साल का गैप जरूर रखना है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं डिफेंस सिविलियन के ऊपर। अब दोस्तों डिफेंस सिविलियन में कौन कौन शामिल है, तो दोस्तों जो डिफेंस एस्टीमेट के जरिए पेमेंट पाते हैं वही लोग इसमें कंसीडर किए जाएंगे। और उनका जो पे लेवल है वो आप देख सकते हैं 11 से लेकर के 18। जो दोस्तों ये है 11 से लेकर के 18 वाले, इन्हीं को 20 लाख रुपए तक जो सीएफडी बेस प्राइस वाली कारें हैं वह दोस्तों इनको अलाउड हैं, ये लोग खरीद सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक और बेनिफिट यहां पर दिया गया है कि इसमें जो सर्विंग में है वो भी दोस्तों खरीद सकते हैं और रिटायर्ड भी खरीद सकते हैं। साथ ही यदि आपका ये इन दोनों में से कोई नहीं है, कहने मतलब आप फैमिली पेंशनर हैं, तो आप तो भी इलिजिबल हैं। बस क्राइटेरिया वही है ऑफिसर वाला, जो कि आप हर एक 8 साल बाद ही एक दूसरी कार खरीद सकते हैं। यानी कि एक कार से दूसरी कार के बीच में जो आपका गैप होगा वह होगा 8 साल का। और दोस्तों यह जो पूरा प्रोसेस है वह दोस्तों 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको इसी वीडियो में वह ऑफिशियल लेटर भी दिखा देता हूं जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, यह जो लेटर है वह दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों यहां पर देख पाएंगे आप लोग, तो ये 30 तारीख का लेटर है, 30 नवंबर 2022 का। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, यहां पर जो इंटाइटलमेंट है उसको रिव्यू करने के बारे में है, जो कि आप 4 व्हीलर्स खरीदते हैं। यहाँ पर आप पूरा रेफरेंस भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर पूरी जानकारी भी पूरी देख पा रहे होंगे जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई थी। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कई लोगों को हवलदार से रिटायर होते हैं और उन्हें ऑर्नरी नायब सूबेदार मिल जाता है, तो दोस्तों जो भी लोग इस तरह के केस वाले हैं जिनको भी ऑर्नरी नायब सूबेदार रैंक मिला हुआ है, तो दोस्तों वह नायब सूबेदार में काउंट किए जाएंगे। तो वो लोग पे लेवल 6 से 9 के मध्य में ही अप्लाई करें, यानी कि जेसीओ वाली फैसिलिटी उनको मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं ये चीज़ वीडियो में बताना पहले भूल गया था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने सभी भाइयों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ आने वाले
नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।